हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति जोशी और आप सभी का स्वागत है नो दिस में। आज एक्सप्लेनर वीडियो की इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं Amazon प्राइम पर रिलीज हुई मूवी शेरशाह की पूरी कहानी। ये फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनाई गई है। शहीद विक्रम बत्रा कारगिल के वो हीरो थे जिन्होंने 16,000 फीट ऊंचाई पर छिपे देश के दुश्मनों को हराया था। इसी दौरान अपने साथियों की जान बचाते हुए 7 जुलाई 1999 को वो शहीद हो गए थे। देश के लिए शहीद होने के बाद उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता की कहानी के साथ ही डिंपल चीमा के साथ उनकी लव स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी। उनका प्यार इतना मजबूत है कि विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद भी डिंपल ने कभी शादी नहीं की। वो अब तक खुद को कैप्टन से अलग नहीं कर पाई है। बात करें कैरेक्टर्स की तो कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। इस रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 4 चांद लगाने का काम किया है। वहीं उनकी मंगेतर डिंपल का किरदार निभाया है कियारा आडवाणी ने। फिल्म के डायरेक्टर हैं विष्णु वर्धन जिन्होंने शानदार अंदाज में कहानी को पिरोया है। शेरशाह फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा के पराक्रम को दिखाती है। बचपन से ही विक्रम बत्रा का इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना था। मर्चेंट नेवी में मन न लगने पर उन्होंने CDS की तैयारी की और IMA में सेलेक्ट हुए। जम्मू कश्मीर राइफल्स के साथ काम करते हुए सभी को उनके जज्बे और दुश्मन को खत्म करने की हिम्मत के बारे में पता लगता है। छोटी उम्र होने के बावजूद विक्रम को बड़े टास्क दिए जाते हैं और वो सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट भी करते हैं। साथ ही डिम्पल के साथ उनकी लव स्टोरी भी चलती रहती है। दोनों कॉलेज में एक दूसरे से मिले होते हैं। कुछ टाइम बाद डिंपल अपने घर पर भी विक्रम के बारे में बता देती है। वहीं कश्मीर में विक्रम की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया जाता है। इसके बाद कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी को 0.4875 से दुश्मनों को खत्म करना होता है और इस टास्क के लिए विक्रम बत्रा खुद जाने के लिए जोर करते हैं। तो अपनी टीम के साथ रात को वो दुश्मनों पर हमला करते हैं। देर तक चली जंग के बाद फाइनली इंडियन आर्मी दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस बीच जान की परवाह किए बिना अपने एक साथी को बचाते हुए विक्रम बत्रा को गोली लग जाती है और वो देश के नाम शहीद हो जाते हैं। कियारा और सिद्धार्थ के फैंस लंबे समय से इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। फिल्म देखकर लगता है कि कहानी के हर हिस्से को थोड़ा थोड़ा दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर कोई भी हिस्सा पूरी तरह से नहीं दिखा पाया है। लेकिन आप वीकेंड पर 2 घंटे निकाल कर इस मूवी को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ये भी जरूर लिखें कि अगली कौन सी मूवी या कौन सी सीरीज हम आपके लिए एक्सप्लेन करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।